गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की एक जबरदस्त कुछ टेक न्यूज में लेके आया हूं। तो चलिए गाइस आज की टेक न्यूज हम शुरू करते हैं। गाइस अगली जो न्यूज है वो है जियो की तरफ से, क्योंकि जियो ने अपना एक न्यू रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। और वो जो रिचार्ज प्लान है मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 395 रुपीज में, ध्यान सुनिए गाइस, 395 रुपीज में आपको 84 डेज का वैलिडिटी मिलेगा और 6 GB डेटा। तो गाइस जो लोग वाईफाई वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे, अपने ऑफिस में जो वाईफाई है, जब आपको पर्सनली डेटा उतना ज्यादा नहीं चाहिए, उनके लिए ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि डे भी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, प्लान भी बहुत ही ज्यादा है, और इस प्लान का जो अमाउंट है बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं जियो। 395 में 84 डेज का वैलिडिटी मिलेगा और 6 GB डेटा। 6 GB डेटा आपको पर डे यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वाईफाई में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको जब भी जरूरत पड़े आप तब यूज कर सकते हैं। तो जियो का ये प्लान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस मैं तो जरूर इसको रिचार्ज करूंगा जब ये प्लान प्रॉपरली लॉन्च होगा। बहुत जल्दी लॉन्च होगा मुझे मालूम है, पर अभी तो हमें डिटेल्स मिला है, तो जब होगा तब आप भी रिचार्ज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं उनके लिए ये न्यूज। तो गाइस जो एपेक्स लेजेंड है वो फिलहाल के लिए मैं फास्ट वीक को देखा जाए तो ग्लोबली ऑल जगह सब जगह वो फिलहाल के लिए अपेक्स लेजेंड को बैन कर रहे हैं। इसका कोई पक्का सबूत हमें नहीं मिला है, पर थोड़ा सा लीक हमें मिला है कि एपेक्स लेजेंड की जो डिटेल्स वगैरह जो ग्राफिक्स है या फिर जो न्यू जो डिटेल्स है वो फिलहाल ग्राहक के लिए या फिर जो उनके जो सर्विस प्रोवाइडर है जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड जनरेशन हो चुका है। तो इसीलिए उन्होंने अभी तक कहा है कि एपेक्स लेजेंड बैन करेंगे, वो लोग ग्लोबली इंडिया में बैन कर सकते हैं। तो गाइस अगली जो टेक न्यूज है वो है टेस्ला की तरफ से। तो गाइस इलोन मस्क ने कुछ क्या बताओ, इलोन मस्क ने कहा है कि वो अपनी टेस्ला कंपनी का एक फ़ोन लॉन्च करेगा, और वो जो फ़ोन होगा ना ही OS पे बेस है ना ही एंड्रॉयड पे बेस है। फिलहाल के लिए अभी तक कोई डिटेल्स नहीं मिला है हमें कि वो कौन सी कंपनी के साथ वो मर्ज होने वाला है या फिर खुद का ही कंपनी होने वाला है, कौन सी OS मिलेगा और कौन सी प्रोसेसर इस्तेमाल होगा, क्या स्पेसिफिकेशन है, अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लीक्स भी नहीं मिला है। पर हमें फिलहाल इतना जानने को मिला है कि इलोन मस्क भी बहुत ही जल्दी ग्लोबली और पूरे जगह वो अपना न्यू फ़ोन लॉन्च करेगा टेस्ला फ़ोन से। और दोस्तों कैसे हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही बुरी चीज़ है, क्या बताऊँ कि फ़िलहाल के लिए चिप शॉर्टेज इतना ज़्यादा है चाइना में, पूरे ग्लोबली में, इसकी वजह से फ़ोन का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर आप फ़ोन अगर रिपेयरिंग भी करेंगे उसके वजह से भी आपके जो फ़ोन का जो बिल आएगा बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्ट्स पेयर और जो चिप शॉर्टेज इतना ज़्यादा हो चुका है ग्लोबली में कि फ़ोन या फिर फ़ोन आप जब रिपेयरिंग करेंगे तो प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा गाइस। गाइस और एक जो टेक न्यूज़ है वो है आईफोन की तरफ से। आईफोन बहुत जल्दी मार्केट में अपना एसी फोन लॉन्च करेगा। ये जो एसी फोन होगा वो फोर्थ जनरेशन का एसी फोन होगा। एसी का मतलब होता है गाइस स्पीड एडिशन। आईफोन ने पहले अपने 8-7 के जो डिजाइन है उन डिजाइन में अपने जो बेहतरीन जो प्रोसेसर है A15, A13 और A14 जो बायोनिक चिप उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने पिछले जो एसी फोन उन्होंने लॉन्च किया था। अब ये जो एसी फोन लॉन्च होगा जो फोर्थ जनरेशन का होगा उसमें A16 बायोनिक चिप देखने को मिला था गाइस। और इसके जो बॉडी जो आईफोन इस्तेमाल करेंगे जो एसी में अपने जो फोर्थ जनरेशन का, उसमें आईफोन जो XR या फिर जो X का जो मॉडल था वही मॉडल इस्तेमाल होगा इस आईफोन जो फोर्थ जनरेशन का जो एसी फोन लॉन्च होगा। उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है वही आईफोन 10 का जो जो स्पेसिफिकेशन था ऑल ओवर सब कुछ ही देखने को मिलेगा, बस प्रोसेसर चेंज होगा गाइस, प्रोसेसर होगा A16 बायोनिक चिप का। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि जबरदस्त तड़केदार मसालेदार टेक न्यूज अनबॉक्सिंग वीडियो और बहुत सारे टेक न्यूज मैं लेके आता हूँ गाइस। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग।